कमर्शियल व्हीकल्स को बैरोमीटर बना जाता है इकोनॉमी का, यानी कि अगर कमर्शियल व्हीकल्स में अच्छी बिक्री हो रही है तो समझ लीजिए कि आपकी इकोनॉमी भी बेहतर जा रही है और वहीं से शायद किसी भी मास रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात कर रहे हैं तो उस मास रेवोल्यूशन की अगर शुरुआत होगी तो वो छोटी गाड़ी यानी टू व्हीलर से होगी, उसके बाद पैसेंजर व्हीकल का नाम आएगा। लेकिन बड़े पैमाने पर अगर आपको CO2 कार्बन एमिशन को कम करना है तो सबसे जरूरी क्या है कि जो आपके मास ट्रांसपोर्टेशन की जो जरिए हैं ए टू बी ले जाने के लिए, उन जरियों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जा सके। और इस कवायद में सारी कंपनियां लग गई हैं। ऐसी ही जो यूं कहिए कि दुनिया की टॉप 4 कंपनियों में जो शुमार है वो है अशोक लेलैंड, और अशोक लेलैंड का जो ईवी आर्म कहें स्विच मोबिलिटी, जो कि दो बड़ी बड़ी कंपनियों से निकला हुआ उभरा हुआ एक स्टार्टअप है स्विच, जो दर्शक नहीं जानते उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अशोक लेलैंड जो है वो दुनिया की सबसे 4 बड़ी कंपनियों में शामिल है जो कि बसेस और ट्रक्स वगैरह में डील करती है, और उसी तरीके से एक यूके बेस्ड कंपनी थी ऑप्ट्रा जो कि अब स्विच हो गई है। ऑप्ट्रा के बारे में अगर मैं बताऊं कि 2014 में जो पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी लंदन की सड़कों पर उतारी थी वो थी ऑप्ट्रा, और उसी ऑप्ट्रा और अशोक लेलैंड ने मिलके अब इंडियन मार्केट में उतार दिया है स्विच। जी हाँ, स्विच का ये जो दो इस वक्त आप गाड़ियां इस वक्त फिल्म में देख रहे हैं EV12, ये एक नया प्लेटफॉर्म है जिसपे गाड़ी उतारी गई है इंट्रासिटी टारमैक स्टाफ के लिए, हॉस्पिटल्स में बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए कई तरह से इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मकसद बड़ा साफ है, मूव बेटर एंड मूव ग्रीन एंड क्लीन। इसमें जो अगर मोटर की बात करें तो 235 किलोवाट की पीक मोटर, 140 किलोवाट कंटिन्यूस मोटर का इस्तेमाल किया गया है। बैटरी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी ईवी की बात होती है तो आपको याद आती है बैटरी, और बैटरी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एडवांस लिथियम आयन NMC केमिस्ट्री वाली मॉड्यूलर बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। फुल एयर सस्पेंशन है, डिस्क ब्रेक दिए गए हैं फ्रंट में और रियर में। इसकी जो रेंज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपको रेंज एंग्जाइटी होगी, तो आप जानना चाहेंगे कि इसकी रेंज कितनी है। तो इस गाड़ी, इस बस की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर की रेंज है फुल चार्ज में, और 500 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है अगर डुअल गन चार्जिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। चार्जिंग में टाइम कितना लगता है अब ये जानना चाहेंगे। चार्जिंग में आपको 1.5 से 3 घंटे का समय लग सकता है, और दो अलग अलग हैं, एक स्टैंडर्ड है एक लो फ्लोर है। फ्लोर की जो हाइट है वो 400 mm की है। इस बस की अगर कुल हाइट की बात करें तो 3180 mm है। ये बस जो है वो 12,000 mm लंबी है, 2600 mm चौड़ी है, और व्हील बेस है 6320 का। अब इस बस में कितने लोग बैठ सकते हैं ये देखने के लिए चलिए अंदर ही चलते हैं। करीब 35 लोग इस बस में एक टाइम में बैठ सकते हैं, और ये एडजस्टेबल है क्योंकि कस्टमाइज किया जाता है इन बसेस को, तो एडजस्ट किया जा सकता है। पर मास ट्रांसपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये सब चीज़ें बड़ी क्रांतिकारी हो सकती हैं, क्योंकि अगर 300 किलोमीटर रेंज की बसेस, और खास बात इसको जो है भारतीय कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट करके बनाया गया है, क्योंकि यहाँ का जो हाई टेम्परेचर है वो बहुत दिक्कत करता है। कहानियाँ हमें सुनने को मिलती रहती हैं, वो कहानियाँ बसेस में ना सुनने के लिए मिले, इसीलिए बहुत ही पुख्ता तरीके से इसकी बैटरी मैनेजमेंट पे ध्यान दिया गया है। 600 से ज़्यादा बसेस का ऑर्डर इस कंपनी को पहले से मिला हुआ है, यानी कि ऑर्डर बुक फुल है। वो इस बात की तरफ भी इशारा है कि ईवी को लेकर कंपनीज कितनी ज़्यादा सजग हो चुकी हैं, सतर्क हो चुकी हैं, और उसी का नतीजा है कि अशोक लेलैंड की ये जो सब्सिडियरी कंपनी है स्विच, उसकी तरफ से बाजार में इस नई गाड़ी को, नई बस को उतारा गया है। और इस बस को हमने आप तक क्यों पहुँचाया, इस बस को हमने आप तक इसलिए पहुँचाया क्योंकि थोड़ा सा नया तड़का दिया जा सके, कार्स और बसेस की दुनिया से उस दुनिया में भी जाया जा सके जहां पर ए टू बी मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात होती है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो ज़रूर बताइएगा। क्या आप ऐसा कंटेंट और देखना चाहते हैं, बसेस ट्रक्स कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में मोबिलिटी के और जो भी साधन हैं उन सभी के बारे में रोचक जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। एक खुशी मिलती है ये जानकर कि सभी बड़ी कंपनियां इस वक्त इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बहुत शिद्दत से काम कर रही है, और टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। 300 की रेंज जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, 1 से 3 घंटे में ये गाड़ी चार्ज हो सकती है, और सोचिए फुली लोडेड 35 से ज़्यादा लोगों को ले भी जा सकती है। यानी कि आने वाले टाइम में आप दिल्ली मुंबई पुणे की सड़कों पर बहुत जल्द ये गाड़ियाँ देख सकते हैं, जहाँ पर हमारा जो भविष्य है
वो और ज्यादा क्लीन ग्रीन हो सकता है, कार्बन न्यूट्रल हो सकता है। नमस्कार।